नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। संभल में रिश्वतखोर दरोगा का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रिश्वतखोर दरोगा वीडियो में 14,800 रुपए की रिश्वत मांगने और लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्वतखोरी का ये वीडियो वायरल होने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। संभल के रजपुरा क्षेत्र के जिंजौड़ा डांडा पुलिस चौकी का ये मामला है, जिसके बाद सत्यपाल सिंह जो कि पीड़ित है वो सामने आया और उसने मीडिया के सामने ये बात कही। आप देख रहे हैं संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, मसंतपुर का रहने वाला हूँ। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ, आपने जो वीडियो वायरल किया पैसों जी, क्या है ये? मैं पीड़ित हूँ उसमें मेरा एक मुकदमा लिखा गया था। मेरे घर में दस्कर में एक मारपीट की थी 452 का। उसमें दरोगा जी ने 25,000 रुपये मांगे थे, तो 5,000 रुपये हमने पहले दे दिए थे। उसके बाद 20,000 रुपये और मांग रहे थे जी। उसमें जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें 15,000 रुपये में फैसला हुआ था हमारा जी। तो उसमें 14,800 रुपये उनके पास पहुँच रहे हैं। जो वीडियो में 200 रुपये की बात चल रही है वो 200 रुपये कम थी, चार्जशीट लगाने थे, वो एक्सपेंज कर रहे थे 400 वहाँ। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ। डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।